तो ये अभी मैं जा रहा हूँ हावे नोमन, क्योंकि मैंने आईफोन बुक करा है आप लोगों की बदौलत और एयरपोर्ट्स टू सेकंड जनरेशन जो भी है। तो अभी आईफोन तो मेरा आया नहीं है, अभी जा रहा हूँ मैं सिर्फ एयरपोर्ट्स लेने, अब फ़ोन का पता करूँगा क्योंकि उनकी वेबसाइट पे कोई डेट नहीं है। और मैंने जो फ़ोन लिया है भाई, मैंने लिया है इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। तो आपको बताऊँगा, यहाँ पे ना दो तरीके की इंस्टॉलमेंट होती है। एक होती है कि आप जो आपकी सिम कार्ड होते हैं, EIR हो गई और आपकी वर्जिन मीडिया हो गई, वोडाफोन हो गई, ये अपने मतलब आप इनकी सिम लो तो ये आपको अपने स्टोर से आपको आईफोन देते हैं, लेकिन ये ना महंगा पड़ता है बहुत। लेकिन जहाँ से मैंने लिया है वहाँ बताऊँगा आपको कैसे अप्लाई करना है, और आपको कोई भी डाउन पेमेंट नहीं देनी, आपकी सिर्फ किस्त कटेगी। जो मेरी किस्त कटेगी वो 80 यूरो है, ठीक है। अभी चलते हैं, पहले एयरपोर्ट लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कहाँ से मैंने लिया है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है, क्योंकि करते तो हो नहीं, आधे ज़्यादा लोगों ने कर ही नहीं रखा। वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, लेकिन भाई कर जा करो, ठीक है। चलो मिलते हैं। तो भाई देखो, अभी 10 मिनट पहले थे हम डील्स हो गए यार, बारिश स्टार्ट हो गई, तो इसलिए यहाँ पे ना 24 घंटे आपको ना ये वाटर प्रूफ या फिर छाते तो काम आता नहीं, सही बताऊँ, हवा इतनी चलती है इसको कोई जवाब नहीं। तो भाई जहाँ से मैंने फाइनेंस करवाया ना, उस कंपनी का नाम है हम HUMM, ठीक है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स मांगता है आपसे कि मतलब आप कहाँ काम कर रहे हो, आपकी सैलरी कितनी है, आपके मैनेजर का नंबर मांगता है। और जैसे आप वेरीफाई हो जाओगे उसके बाद आपको ये एक लोन अमाउंट क्रेडिट कर देता है। तो इनका ना सिर्फ हार्वे नॉर्मन से, ठीक है, ये हार्वे नॉर्मन के साथ काम करते हैं। और जैसे ही आप हार्वे नॉर्मन में कुछ चीज़ सेलेक्ट करोगे, जैसे आईफोन सेलेक्ट कर लिया आपने, तो ये आपसे पूछते हैं कि आप किस स्टोर से आप क्या सामान लेना चाह रहे हो। जैसे मेरे को आईफोन चाहिए था, तो मैंने इनको बताया कि मैं आईफोन लेना चाह रहा हूँ हार्वे नॉर्मन से, तो उसकी आपको एक वो बतानी पड़ती है कि 1800 यूरो का है, 1500 मतलब 1500 यूरो का है, 1800 यूरो का है, उस हिसाब से आपके ये क्रेडिट कर देते हैं। पैसे जो हैं आपके वो आपके अकाउंट में नहीं आते, इनका कुछ वर्चुअल थिंग है जो भी है, आपको मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप हार्वे नॉर्मन में बाद में चेकआउट करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप अपना क्रेडिट से जो ये हम है उससे पे करना चाहते हो, तो वहाँ पे बस आपको फ़ोन नंबर डालना पड़ता है और आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। और जो इंटरेस्ट लगती है, तो मैंने मेरा जो कॉस्ट पड़ी है मेरी इसकी आईफोन की प्लस एयरपोर्ट्स की टोटल पड़ी थी 1800 समथिंग, और मेरा जो टोटल मुझे पे करना है वो करना है 2000 यूरो, और मेरे को 0 डाउन पेमेंट, मेरी 80 यूरो की पर मंथ किस्त बंदी है। तो ये सबसे अच्छा था, क्योंकि मैं एक साथ नहीं चाहता था कि भाई मैं 2000 यूरो एक साथ फूकूं। सबके अपनी अपनी पसंद है। ये भाई साहब प्रो मैक्स लेने वाले तो ये कैश में लेंगे, इन पे पैसा बहुत है भाई, ठीक है। तो हमने किस्तों में निकाला है, ठीक है, बाकी अपडेट देते हैं आपको बाद में। हम पहले पैसा जोड़ेंगे फिर फोन लेंगे। नहीं, पैसा जोड़ मैंने रखा, लेकिन बात है ना कि एक साथ 2000 यूरो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। सबकी अपनी अपनी क्या कहते हैं प्रायोरिटी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, अभी बस का इंतजार कर रहे हैं, मिलते हैं घर पहुँच के। देखो भाई, एयरपोर्ट दिलवा के लिया है, इसके पास कितने सालों से है, इस पे कनेक्ट नहीं हो रहे। हाँ भाई, ये नया है, नया नए में टाइम लगेगा, ऐसी बोलते हैं सब। नया फीचर आया ना, हर चोर चोरी करके ऐसी बोलता है। नहीं पता तो मना कर दे, यूट्यूब कर लेंगे हम। क्या करवाना चाह रहा है, देखो कैसे खेल रहा उसके साथ। वो बोल रहा है तो आज भाई बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे ना आज आपको दिखाने वाला हूँ मैं इंडोर क्रिकेट, ठीक है। आयरलैंड में ना दो सीजन होते हैं क्रिकेट के, ठीक है। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आयरलैंड में भाई दो सीजन होते हैं, एक होता है मार्च से लेके सितंबर और दूसरा होता है अक्टूबर से लेके फरवरी तक। अभी ये इंडोर क्रिकेट है, मैं जाके बताऊंगा, मेरे को भी कुछ नहीं मालूम, पहली बार मेरा ये यहाँ पे इंडोर क्रिकेट है, और आउटडोर मैं खेल चुका हूँ, सीजन खत्म हो चुका है। तो चलो मिलते हैं सीधा ग्राउंड में पहुँच के, कैसा है कैसा नहीं है सब कुछ बता दूंगा। तो भाई मेरा भी ना पहली बार इंडोर क्रिकेट है यहाँ पे, पता है मेरे को मैं आज से पहले कभी नहीं खेला इंडिया में, मैं आउटडोर खेला हूँ जो लेदर वगैरह से होते हैं, बट यहाँ पे मेरा पहली बार था, तो बहुत ही मज़ा आता भाई खेलने में। अगर आपको अगले साल यहाँ पे क्रिकेट खेलना है तो मैं आपको इनका इंस्टाग्राम में लिंक दे दूंगा, आप अपनी टीम रजिस्टर करवा सकते हैं। क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मतलब चाहिए इन लोगों को, वो आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, उनका इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा, ठीक है। अगले साल की जो भी लीग होगी आप खेल सकते हो। बाकी मैं इसके रूल बताता हूँ आपको, तो आपको नज़र आ रहे होंगे चार कोने, ठीक है, जो चार दीवार नज़र आ रही है, तीन, ठीक है, आपके एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, ठीक है, एक सामने जो कि हमारी स्टेट बाउंड्री है,
तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी राइट साइड में जो बाउंड्री है वहाँ पे अगर आप कोई शॉट मारते हैं तो आपका एक रन काउंट होता है, आपको भाग के लेना होता है रन ऐसी लेग साइड की बाउंड्री पे, ठीक है। और सामने जो बाउंड्री है वहाँ पे होते हैं सिक्स एंड फोर्स। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है, आपको हर बार भागना जरूरी है, कंपलसरी है। मतलब जब भी आप शॉट वगैरह मारते हैं ना, अगर आपका सिक्स जाता है तो आपको सिंगल लेना जरूरी है, तभी वो आपका रन काउंट होगा। और एक और बात, अगर सिक्स जाता है और किसी ने वो आपका जो बाउंड्री से लग के एक हाथ से कैच पकड़ लेता है कोई, तो वो आउट माना जाता है, उसके होते हैं कुछ माइनस रन, ठीक है। तो ऐसे कुछ रूल और रेगुलेशन है यहाँ पे। लेकिन भाई इतना मज़ा आता है ना खेलने में, मेरे को मेरा पहला सीज़न है और मेरे को अभी से इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी ये अक्टूबर तक चलेगा, उसके बाद फिर जनवरी में दोबारा चालू हो जाएगा ये क्रिकेट, ठीक है। तो आप शॉर्ट्स के मज़े लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरा ख्याल रखिएगा, मैं भी कुछ खाने के लिए बना लूँ।